बेस्ट फ्लैगशिप कूलर की बात करें 2022 की, तो IQ Neo 6 से कोई भी बढ़िया ऑप्शन नहीं था। अब थोड़ा ये फोन पुराना हो गया है, नया फोन आने वाला है और इनफैक्ट मेरे हाथ में आ भी चुका है, और ये है गाइस IQ Neo 7। क्या IQ Neo 7 एक ट्रू फ्लैगशिप कूलर फोन है जस्ट लाइक दी IQ Neo 6? आज हम इस वीडियो में सारी बातें फाइंड आउट करनी है गाइस, डिफरेंट तरह के टेस्ट परफॉर्म करेंगे, सभी चीज देखेंगे और एट द लास्ट फाइनल डिसीजन, क्या ये ट्रू फ्लैगशिप कूलर फोन बन सकता है कि नहीं बन सकता है। बॉक्स में क्या कुछ एक्साइटिंग है वो पता करते हैं। खुलने का स्टाइल ऑलवेज अलग सा होता है, जो अलग तरह का बॉक्स बनता है। केस वेस तो सब मिल रहे हैं, 120 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग मिली, इवन दो अब तो 210 वॉट भी आ चुकी है, 200 वॉट आ चुकी है रेडमी में। 120 वॉट भी स्लो नहीं होता है, सुपर फास्ट होता है। और देखिए वाव फैक्टर क्या है, अब यहाँ पर आपको USB Type-C to Type-C चार्जिंग केबल मिल रही है। जनरली ये प्रीमियम फ़ोन से मिलती है, लाइक अगर आप OnePlus का प्रीमियम फ़ोन लेंगे जहाँ का चार्जर मिलता है, तो चार्जर नहीं मिलता है तो कहानी ख़त्म, तब तो बस Type-C to Type-C केबल मिलती है। लेकिन यहाँ पे Type-C to Type-C केबल दी गई है, फास्ट चार्जिंग के लिए अच्छी होती है। एंड ये रहा शो मास्टर IQ Neo 7, बहुत ही प्यारा कलर गाइस इसका बनाया गया है। उसका एक रीज़न ये कि यहाँ पे इस बार प्लास्टिक के बजाय यहाँ पे वीगन लेदर यूज़ किया गया। ऑफकोर्स अलग मॉडल भी होंगे जिसमें आपको प्लास्टिक मिलेगा, बट यहाँ पे वीगन लेदर है और कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही सेक्सी है। वो इसलिए देखिए ऑरेंज, वाह 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 क्या बात है। ओके बैक टू द बिजनेस, ऑरेंज पे यहाँ पे ये जो कलर दिया गया ना ब्रास कलर का, ये बहुत ही सूट कर रहा है। देखिए इवन दो प्लास्टिक फ्रेम होगा लेकिन जो कलर यहाँ पे चॉइस दी गई ना, बहुत ही बढ़िया क्लासिक कलर दिया गया। तो अगर आप थोड़े से विंटेज आइटम के शौकीन हैं ना, तो आपको ये कलर बहुत ही अच्छा लगेगा। इसका वेट आई बिलीव 200 ग्राम के अंदर होना चाहिए। एकदम सही पकड़े हैं, 199 ग्राम, बढ़िया वेट निकला है। बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है बिकॉज ये लेदर तो थोड़े से हल्के होते हैं, और कर्व है तो इन हैंड फीलिंग अच्छी आएगी। बट अब तो गाइस जमाना, आप जब से ये यूज़ कर लिया रियलमी 10 Pro Plus, तो कर्व डिस्प्ले की तो आदत सी हो गई है। अब तो बजट भी तो शायद IQ को भी ये चीज़ देनी चाहिए, नॉट श्योर क्यों नहीं दिया गया, मे बी इन द फ्यूचर। ओके ऑन द पोर्ट स्टफ, यहाँ पे टॉप में आया ब्लास्टर है, एक नॉइस कैंसलेशन माइक है, बॉटम में यहाँ पे USB Type-C एंड ड्यूअल 5G सिम कार्ड, स्पीकर ग्रिल, लेफ्ट साइड स्क्रीन, राइट साइड पावर बटन एंड उसके ऊपर वॉल्यूम बटन दिया गया है। तो डिज़ाइन सिमिलर है जैसा कि प्रीवियस IQ Neo 6 के था। इसके साथ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, क्या मेक सेंस बनता है, क्या अपग्रेड करें कि ना करें, या इसी पे बने रहें बैठे रहें, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे आपको अनलॉकिंग के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, विच इज सुपर क्रेजी फास्ट। एंड गाइज कर्व ठीक है वो अलग चीज़ होती है, लेकिन इस फ़ोन का डिस्प्ले ना बड़ा ही कमाल का है। मैं आपको यहाँ पे भी वाव फैक्टर बताता हूँ। साइज वाइज 6.78 इंच का है जो कि यूजुअल साइज है, और ऑन दीज स्टफ्स में सभी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि 120 हर्ट्ज़ का आपको यहाँ पे रिफ्रेश रेट मिलता है, आप स्मार्ट स्विच वो सभी चीज़ें लगा सकते हैं, HDR 10+ का भी सपोर्ट दिया गया है, पीक ब्राइटनेस इसकी 1500 निट्स की है। आई थिंक इस प्राइस का ये ब्राइटेस्ट डिस्प्ले होगा जिसमें आपको इतनी ब्राइट डिस्प्ले मिल रही है, बहुत ही ब्राइट है। लाइक कुछ भी मैं इसमें देखने की कोशिश करता हूँ ना, तो एकदम क्लियर सारी चीज़ें एकदम साफ़ सुथरी नज़र आती हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं लगती कि कुछ दिख नहीं रहा है, कलर्स बहुत ही अच्छे हैं, एकदम कंट्रास्ट बहुत ही प्यारा है, तो डिस्प्ले इसका बहुत ही अच्छा है। आई जस्ट विश कि यहाँ पे कर्व डिस्प्ले होता ना तो और मज़ा आ जाती, शायद बहुत से लोगों को अच्छा लगता, बट फिर भी ठीक है। चलिए अनदर फैक्टर की बात करते हैं, क्या परफॉर्मेंस में कुछ क्रेजी इंप्रूवमेंट है कि नहीं है, वो भी है। इससे पहले मैं आपको बेंचमार्किंग स्कोर दिखाता हूँ, स्ट्रेट अवे आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे स्कोर है, कहीं ऐसे तो नहीं मैं गलत पढ़ रहा हूँ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दहजार लाख 10 लाख वाओ मिलियन का यहाँ पे स्कोर मिल रहा है, यानी कि स्नैपड्रैगन को भी इसने ऑलमोस्ट पीछे ही छोड़ दिया है।
तो बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है, और जब से मैं इसको यूज़ करा ना, मुझे एकदम टोटल प्रीमियम फ्लैगशिप वाली फीलिंग आ रही है। जैसे कि अगर आप iPhone 14 Pro Max टाइप कोई फ़ोन चला रहे हैं या प्रीमियम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 Plus चला रहे हैं फुल 4 में, तो कुछ वैसे ही यहाँ पे एक्सपीरियंस मिल रही है। बहुत ही सुपर फास्ट क्रेजी फ्लैगशिप परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको मिल रही है, लेवल नहीं फ्लैगशिप परफॉर्मेंस है। गेमिंग वेमिंग आप कुछ भी कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे तो हीटिंग इशू लगी नहीं। वैसे अभी थोड़ा सा विंटर यहाँ पे है तो शायद इसलिए, बट फिर भी मुझे ऐसा कुछ नोटिस नहीं हुआ। एकदम क्रेजी मैक्स लेवल की गेमिंग आप इसमें कर सकते हैं। और ये फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉयड 13 से मिल रहा है, यानी कि आपको एंड्रॉयड 14 और एंड्रॉयड 15 भी मिलना चाहिए। और यहाँ पे लेआउट आप देख सकते हैं कैसा दिया गया, थोड़ा सा अलग टाइप का है। बड़े बड़े विजेट्स दिए गए हैं उसके अंदर, ढेर सारे आप फोल्डर्स बना सकते हैं। एंड्रॉयड है, बहुत तरह का कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ये सभी तो कूल पार्ट हैं जो आपको IQ वीवो के फ़ोन में मिलती है। यहाँ पे भी थोड़ा सा वाव फैक्टर है, बहुत ज़्यादा नहीं है। नंबर्स की बात करें तो 50+8+2, सो 8+2 उसका यूजुअल सेटअप है जो अगेन नियो 6 में भी था। मेन सेंसर इस बार 64 की बजाय 50 कर दिया गया, थोड़ा सा चेंज किया गया है, उससे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे अभी भी IQ के जो नंबर सीरीज़ वाला सेटअप नहीं दिया गया, जैसे कि अल्ट्रा वाइड बहुत ज़्यादा दिया गया, उसी अल्ट्रा वाइड से आप मैक्रो ले सकते हैं, वो चीज़ें मिसिंग हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा वाव कम है, वो शायद आपको महंगे वाली नंबर सीरीज के लिए जाना पड़ेगा। एंड अगर गाइस हम कैजुअल फोटोज़ की बात करें तो मुझे इस फ़ोन का कैमरा अच्छा लगा, लाइक ब्राइट वाइब्रेंट फोटोग्राफ्स आ रही हैं। अब मैं डिस्प्ले में देख रहा हूँ तो डिस्प्ले वैसे इतना अच्छा है, लेकिन बढ़िया शॉट आ रही है, लाइक क्रेजी डिटेल्स आ रही हैं जो भी आप कैप्चर कर रहे हैं, बहुत ही शार्प फोटोग्राफ्स हैं। हायर मेगापिक्सल लेते हैं तो वो भी प्रॉपर कैप्चर हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। स्लाइटली इनडोर में लेते हैं तो भी शॉट बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ये सेंसर बहुत ही कमाल का है। लो लाइट शॉट इसकी बहुत ही इम्प्रेसिव लगी, अगर मैं इंडोर ऑफिस में लेता हूँ तो भी बहुत ही कम नॉइज़ आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल नॉइज़ है। आउटडोर में जाते हैं तो वहाँ पे भी नॉइज़ बहुत ही कम यहाँ पे देखा है। कंप्लीट जीरो लाइट में भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है। विथ नाइट मोड और ज़्यादा आप यहाँ पर डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रियर कैमरा इसका बहुत ही अच्छा लग रहा है, उस कैमरे से आप 4K 60 फ्रेम पर सेकंड तक के वीडियोस भी बना सकते हैं, जो कि काफ़ी क्रिस्प बनते हैं, स्मूथ बनते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगा कि कलर स्लाइटली बूस्टेड टाइप फील हो रहा है, वो ऑफकोर्स रहता है IQ वीवो के फ़ोन में, बट अच्छा लग रहा है। क्रेजी डिटेल्स आ रहे हैं, OIS का सपोर्ट भी दिया गया है। 4K 60 में इफेक्ट थोड़ा सा कम रहेगा, आपको 4K 30 भी जाना पड़ेगा, तब आप थोड़े से स्मूथ वीडियोज़ यहाँ पर बना सकते हैं। सेल्फी गाइज यहाँ पर थोड़ी सी ब्यूटिफिकेशन है, इवन दो मैंने ब्यूटिफिकेशन ऑफ कर रखा था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि स्किन में थोड़ी सी ना वार्मर टोन बढ़ा दी गई है, बट फिर भी डिटेल्स अच्छी हैं, पोर्ट्रेट अच्छा काम कर रहा है, लाइक सेल्फी भी इसकी प्रॉपर 16 मेगापिक्सल है, थोड़ा ज़्यादा रिजोल्यूशन होता तो और अच्छा हो सकता था। यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, तो बैकअप अच्छा है, दो दिन फ़ोन आसानी से खिंच जाता है। अब चार्जर इंप्रूव किया गया, 120 वाट दिया गया है, और ये आपका जैसा एडवर्टाइज है 20 मिनट के आसपास लगता है, 20-21 मिनट उसको फुल चार्ज करने में, तो उसमें भी ये परफेक्टली ओके है। माई गॉड, क्या कॉफी बुलाई इन लोगों ने। आईफोन ऑन द स्पीकर सेटअप, यहाँ पे ड्यूअल स्पीकर मिलते हैं, डेडिकेटेड ड्यूअल नहीं है, यहाँ पे ईयरपीस ग्रिल में यूज़ किया गया है, एंड बॉटम में भी आपके एक स्ट्रेट फायरिंग स्पीकर है। बॉटम स्पीकर्स ऑफ कोर्स यहाँ पे ज़्यादा लाउड हैं, अराउंड 130 dB में पहुँच चुका है, 129 के अप्रॉक्स है, तो शायद किसी और म्यूजिक में और पहुँच सकता है, लेकिन स्पीकर्स लाउड हैं। कोई भी आप एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन नहीं दिखाई पड़ा, डॉल्बी है कुछ ऐसा नहीं है, बट लाउड है। फुल वॉल्यूम पे थोड़ा सा डिस्टॉर्शन यहाँ पे हो रहा है, बट आप 90 भी सुनेंगे फिर भी काफ़ी लाउड होंगे। सो एट द एंड गाइस, क्या कहना IQ नियो 7 का। आई थिंक जिस प्राइस पे आपको ये मिलेगा, इसमें सारे वाव फैक्टर मौजूद हैं, जिसको अगेन एक बेस्ट सेलिंग ऑप्शन बना सकते हैं, बेस्ट रिकमेंडेड ऑप्शन बना सकते हैं अगर आपको एक फ़ोन बाय करना है। अब IQ नियो 6 से अपग्रेड करें कि ना करें, उसके लिए मुझे इन दोनों फ़ोन को डिटेल में टेस्ट करना होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ बहुत जल्दी, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बट सो फॉर आई एम इम्प्रेस्ड विद द IQ नियो 7, आर यू? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच गाइस, होप यू एंजॉयड इट, दिस इज सौरभ, हैव अ ग्रेट डे।
सुपर क्रेजी फ्लैगशिप किलर बन सकता है जस्ट लाइक द IQ Neo 6। एक और बना लेते हैं इनको, फिर दूसरा आ गया था, ऐसे कर लेना। अभी तुम्हें देख के बोलूंगा, फिर जैसे पिलर से गुजरूंगा इधर से तुम आ जाएगा, फिर निकलूंगा फिर इसका आ जाएगा। फिर हाँ, तुम इधर रहो, मैं चल के जाऊंगा, तुम पिलर से ऐसे आ जाना, छुप जाना, तब तक उसका आ जाएगा, फिर तुम फिर पिलर से मुझे ले लेना फिर। हेलो एट साली, नमस्कार।